टीम इंडिया में विकेट कीपर की दौड़ में भले ही दिनेश कार्तिक ने कप्तान रोहित शर्मा का भरोसा जीत लिया है, ऋषभ पंत दूसरे नंबर की चॉइस बन गए हैं, लेकिन संजू सैमसन के चाहने वाले मानते हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में शामिल ना करके संजू के साथ नाइंसाफी हुई है। टीम इंडिया के खिलाड़ी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच खेलने तिरुवनंतपुरम पहुंचे तो संजू सैमसन के समर्थकों से आमना सामना हो गया। खिलाड़ी जब टीम बस में बैठने लगे तो संजू सैमसन के फैन उनके नाम के नारे लगाने लगे। भारी संख्या में पहुंचे क्रिकेट फैन संजू संजू के नारे लगाने लगे। ज्यादातर खिलाड़ियों ने तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपना फोन निकालकर संजू सैमसन के फैंस को उनका फोटो दिखाया और मुस्कुराए। फोटो में संजू सैमसन हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट फैंस को एक तरह से संदेश दिया कि शांत रहें, संजू सैमसन का टीम इंडिया के खिलाड़ी पूरा सम्मान करते हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने संजू सैमसन के फैंस को फ्रेम में लेते हुए सेल्फी ली और पोस्ट करते हुए संजू सैमसन को टैग किया। इसके साथ साथ चहल ने भी संजू सैमसन को टैग करते हुए दिखाया कि आपके फैंस ने हमारा देखिए कैसे स्वागत किया। संजू सैमसन कह चुके हैं कि वो विकेट कीपर के अलावा सिर्फ बल्लेबाज की भूमिका में भी खेलने को तैयार है। संजू के टैलेंट की दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स तारीफ कर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि टीम इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि संजू का रास्ता मुश्किल हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि भविष्य में संजू सैमसन का भी टाइम आएगा। आप संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल ना करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।